वेलकम स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं धर्म और जादू, रिलीजन एंड मैजिक। कल हमने धर्म व जादू की उत्पत्ति, या हम ये कहें इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी बताई थी कि क्या डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है धर्म की। आज हम धर्म की, जब कल अर्थ बताया था उसके साथ मैंने बताया था कि कुछ तत्व होते हैं धर्म के, एलिमेंट्स, तत्व, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला अगर धर्म का कोई तत्व है वह है अनुष्ठान, जिसको हम कहते हैं रिचुअल। धर्म का निर्माण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, हालांकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, मगर यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बूम एंड सेल्जनिक ने जो तत्व जो उल्लेख किए हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और वह पहला जो है वह अनुष्ठान या रिचुअल। सभी धर्मों में अलौकिक शक्ति से संबंधित विश्वासों को प्रकट करने के लिए अनुष्ठान और कर्मकांड किए जाते हैं। अनुष्ठान को स्पष्ट करते हुए बूमेन सेल्जनिक जो है वह लिखते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान का तात्पर्य ऐसी स्वीकृत क्रियाओं से है जो स्वयं पवित्र होती हैं। रिचुअल्स आर दोज एक्टिविटीज जो कि अपने आप में पवित्र प्योर होती हैं। विभिन्न धार्मिक उत्सवों और अवसरों पर किए जाने वाले यज्ञ, हवन, पूजन धार्मिक अनुष्ठान के ही उदाहरण हैं। ये अनुष्ठान समूह में एकता बनाए रखने, परंपराओं को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करती हैं। अनुष्ठान द्वारा किसी भी सामाजिक रीति को पवित्र बनाया जा सकता है। जो कुछ भी पवित्र होता है उसे अनुष्ठान का रूप दिया जाता है। अगर हम यहाँ, मैं थोड़ा सा आपको रिचुअल जो क्या है धार्मिक अनुष्ठान ऐसी स्वीकृत क्रियाएं हैं जो स्वयं पवित्र है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है फीलिंग्स, या जिसको हम कहते हैं अनुभूतियां। देखिए, हम अगर हिंदू फैमिली की या हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ रिचुअल्स जो हैं फ्रॉम बर्थ टिल डेथ कंटिन्यू होते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कारों वाला सिस्टम है, तो जब जन्म से लगाकर मृत्यु तक किसी न किसी रिचुअल से जो है मैं हमेशा जो है प्योरिटी या पॉल्यूशन जो चीज़ें टेबू जो इससे एसोसिएटेड है तो अनुष्ठान होते रहते हैं। और पूरा जो हमारा जीवन चक्र है वह इन्हीं रिचुअल्स के आधार पर बंधा हुआ है। अब यहाँ अनुभूतियाँ या फीलिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं तो अनुष्ठान का एक प्रयोजन यह भी है कि वे उचित भावनाओं को जागृत करते हैं। धार्मिक भावनाओं से धर्म के साधनों और प्रविधियों के समर्थन जो है प्राप्त होता है। नम्रता, आदर और भय सामान्यतः धार्मिक भावनाएं हैं, किंतु कभी कभी धर्म रोमांच और आतंक भी जो है वह प्रदर्शित करता है। फिर बात करते हैं विश्वास या बिलीव्स की। विश्वास या जिसको हम कहते हैं बिलीव्स, विश्वास ही धर्म का आधार है। इट इज़ अ बेस ऑफ रिलीजन। सभी धर्मों में अलौकिक शक्ति में विश्वास व्यक्त किया जाता है। लोगों को जो है यह विश्वास होता है कि अलौकिक शक्ति ही हमें सुख और दुख, सफलता और विफलता ये सभी प्रदान करने वाली होती हैं। पवित्रता के निर्माण
एवं अनेक समस्याओं को सुलझाने में विश्वास की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो बिलीफ है हमारी, हमारा जो विश्वास है कि जो हमारी पूरी जो लाइफ या हम ये कहें हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं जो होती हैं, उन घटनाओं को करने वाला जो है ईश्वर, या हम ये कहें अलौकिक शक्ति में जो विश्वास है हमारा कि ऐसी कोई यूनिवर्स में ऐसी कोई शक्ति है जो सारी चीज़ों को जो है वह कंट्रोल में करती है या वह घटित करती है या जो हमारे साथ हो रहा है कहीं ना कहीं जो है उन सब में उनका हाथ है। फिर बात हम करते हैं संगठन की या ऑर्गेनाइजेशन की। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं धार्मिक क्रियाओं को संपन्न कराने, अनुयायियों से धर्म का पालन कराने के लिए प्रत्येक धर्म में एक संगठन पाया जाता है। यह संगठन धार्मिक विश्वास एवं परंपराओं को बनाए रखने, धार्मिक अनुष्ठानों एवं सिद्धांतों में विशेषज्ञों को भर्ती करने, उनमें शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने, समाज में अन्य समूहों के साथ धार्मिक समूह के संबंध को स्पष्ट करने का कार्य करते हैं और विशेष अवसरों पर अनुयायियों को एकत्रित किया जाता है। एक एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम अगर हिंदू धर्म में देखते हैं तो मठ वगैरह जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है, इवन चर्च जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे सभी धार्मिक धर्म के जो है अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतीक की, सिंबल की। प्रतीक और पौराणिक गाथा है, सिंबल्स एंड मिथ। धार्मिक भावनाओं और अनुष्ठानों को सरल रूप से व्यक्त करने के लिए धार्मिक प्रतीक होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में स्वास्तिक का, ओम का, है ना, ये सब प्रतीक होता है। उदाहरण के लिए जैसे मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, झंडे, विशेष प्रकार के पोशाक आदि धार्मिक प्रतीक होते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक धर्म के कुछ कहानियाँ, गाथाएँ, कथाएँ जिसमें ईश्वर के चमत्कार और धार्मिक पुरुषों के गुणगान जो है वह किया जाता है और धर्म में व्यक्ति की आस्था और विश्वास को और भी ज़्यादा दृढ़ करने का कार्य किया जाता है। उसके बाद जो है वह है निषेध, या जिसको हम कहते हैं टेबू। प्रत्येक धर्म में व्यक्ति का आचरण के कुछ नियम भी बताए जाते हैं और साथ ही कुछ अवसरों पर न करने के निर्देश दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल, व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अनैतिक यौन संबंध कायम नहीं करने चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, धूम्रपान वगैरह नहीं करना चाहिए, बहुत सारे जो है निषेध। इन निषेधों का जो उद्देश्य है वो ये होता है कि धार्मिक पवित्रता जो है बनाए रखने का काम। देखिए, हर धर्म में नियम होते हैं, हर धर्म के कुछ, और जब मैं अगर मैं विष्णुई संप्रदाय की बात करूं तो 20 और 9, वो इस संप्रदाय को मानने वाले लोग जो 20 और 9 रूल्स को फॉलो करेंगे वो विष्णुई कहलाते हैं ना। तो जो भी धर्म होता है, जो भी संप्रदाय होता है, उनके अपने अपने जो है वो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो कि उन व्यक्तियों को, जो उन धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं उनको मानना होता है। फिर बात करते हैं हम धार्मिक संस्तरण की, या जिसको हम कहते हैं रिलीजियस हायरार्की। प्रत्येक धर्म में एक संस्तरण व्यवस्था पाई जाती है जिसमें धार्मिक विशेषज्ञों, पंडित, पुजारियों, समान, या हम ये कहें पादरी, मौलवी का स्थान जो है सामान्य अनुयायियों की अपेक्षा ऊंचा होता है और उनमें कुछ विशेष सुविधाएं और अधिकार जो है वह प्राप्त होते हैं। तो ये जो हायरार्की जो होती है वो हर जगह जो है वो पाई जाती है, वेदर इट इज़ हम हिंदू की बात करें या मुस्लिम धर्म की बात करें, सभी धर्मों में जो है इस प्रकार की जो है हायरार्की
वह पाई जाती है। तो ये जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए, ये जो सात तत्व जो बताए, ये धर्म के जो है आवश्यक तत्व हैं। कल हम जो है धर्म की विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।